माशाल्लाह भाई, पारस तो भाग रहा है भाई फुल। आज बस सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं इसके कुर्बान होने में। बस दिल तो नहीं है लेकिन क्या कर सकते। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काशान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सुबह हो चुकी है और आपको मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा कि मुझे बहुत नींद आ रही है। और अभी बज रहे हैं कुछ रात, सुबह के 8 बज रहे हैं और लेट लतीफ़ ने भी खाना खा लिया, पारस ने भी खाना खा लिया है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको, और मुझे भी नहीं मालूम कि गली में हमारी कितनी गायें आई हैं, तो चलें चल के आज गली की सारी गायें देखते हैं और काउंट भी करते हैं कि भाई इस गली में कितनी गायें हैं और कैसी कैसी हैं। कोशिश करेंगे कि आपको सारे जानवरों को कवर करवाएं जो भी गली में जानवर हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना शुरू से स्टार्ट किया जाए और दिखाते हैं आपको कि अभी से भाई बच्चे तो फुल वॉक कर रहे हैं। ये है हमारी पहली गाय जो अभी उतरी है, 1,12,000 रुपये की। बाकी एक जानवर ये है और एक जानवर ये मेरे दोस्त रोहान का है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा जानवर है और छोटा सा है मगर है बहुत खूबसूरत, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे चल रहा है इन लोगों का नाश्ता और ये लोग झूठे मुंह भी नहीं पूछ रहे हैं भाई, झूठे मुंह भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई, पूछ लेता है ना बंदा कि काशन भाई खा रहे हो, कुछ इखलाक होते हैं ना, ये लोग वो भी नहीं पूछ रहे हैं, देख सकते हैं। आप क्या पूछ रहे हो, कैमरा खुला तो बस खा लें। वाह भाई वाह। सो गाइज, ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आप देख सकते हैं। ये लोग जानवर लेकर आए भाई, लेकर आ गए, खिदमत कर रहे हो इनकी। अच्छा भाई, सुबह पूरी रात से जागे हुए हो। खाना कौन खिलाता है गाय को? आप ही खिलाते हो। वो आपकी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि आप ही खाना खिलाते होंगे, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी आवाज़ निकल ली है। नाश्ता किया? नाश्ता अभी करेंगे। करोगे? चलो सही। कितने की ली है ये? 138। वाह यार, अरे मार रही है यार तुम्हें तो, पली भी नहीं है क्या? चलो भाई, अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, गुड। ये माशाल्लाह से ये दो जानवर ये बंधे हुए हैं, बाकी दो जानवर सामने बंधे हुए हैं और सब लोग अपने जानवर की खिदमत कर रहे हैं। और बाकी तीन जानवर ये बंधे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सब लोग जंजीरें बांध बांध के चले गए हैं अपने जानवरों को। और एक ये बैठा हुआ है काला, बहुत प्यारा है, ये भी फुल ब्लैक में है, आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई पारस, क्या कर रहे हो? आ रहा हूँ मैं, थोड़ा वेट करो, सब पूरी गली का टूर करवा कर आ रहा हूँ। माशाल्लाह भाई, लेट लतीफ़ भी सो रहे हैं बिल्कुल। सो गाइज, हमने अपनी आधी गली तो कवर कर ली है, आप देख सकते हैं, बाकी आधी गली हमारी बाकी है, तो और भी देखते हैं जानवर कोने तक जाएंगे देखने के लिए कि कितने कितने जानवर हैं। मैंने अभी काउंट नहीं किया, आप बताइएगा। माशाल्लाह से 1, 2, 3, 4 और 5, मगर माशाल्लाह से ये जो ब्लैक ब्यूटी है ना, ये बहुत बेस्ट है, दोनों ये जोड़ी है और बहुत अच्छे और मुनासिब रेट में है, मिली है माशाल्लाह से। और मुस्तफ़ा को आप देख सकते हैं कि ये भी मेरी तरह ही खिदमत करता है, बिल्कुल बस गाय में ही लगा रहता है। बाकी दो ये बंधी हुई हैं और एक बेचारा कोने के अंदर बैठा हुआ है। यार इसके पास तो मट्टी भी नहीं डली हुई, कहीं फिसल ना जाए। हाँ भाई, क्या दांत दिखा रहे हो? दो दांत है? वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई। एक बच्ची है ये बैठी हुई है, इसको तो मैंने अभी देखा है, मुझे तो मालूम ही नहीं जानवर की खिदमत कर कर के। भाई जाहिद भाई, सो रहे हो क्या? हाँ माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छी है। बाकी ये एक ये रहा ब्लैक ब्यूटी, एक वाइट में है, एक ब्लैक एंड वाइट और एक और ब्लैक एंड वाइट। और गली हो चुकी है ख़त्म, बाकी इन चार जानवर के आप देख सकते हैं माली बैठे हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। तो बहुत शरीफ है भाई। अरे भाई, तुम तो शरीफ लग रहे थे यार, मार रहे हो। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, आप लोगों के साथ साथ मैंने भी गली के सारे जानवर देख लिए हैं और मुझे भी नहीं मालूम था कि भाई गली में इतने जानवर आ गए होंगे, तो मगर मैंने काउंट नहीं किए कि कितने जानवर हैं। ये आप काउंट करके बताइएगा कि कितने जानवर थे, ठीक है। सो गाइज, आज है लास्ट डे पारस का और साथ में लेट लतीफ़ का, और तो हम लोगों ने दोनों को आज भी नहला दिया और माशाल्लाह से दोनों बहुत अच्छे हो चुके हैं। सोचा
कि भाई अब तो आखिरी दिन ही बचा है, तो इन दोनों को नहला के और सजा दिया जाए और आज शाम से ही इनको वॉक करवाएंगे और घुमाएंगे, बस सारा टाइम इनके साथ ही स्पेंड करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा। ऊपर करके बांधना, गंदे ना हो, ऊपर करके बांधना। क्या हो गया पारस, क्या हुआ क्या हो गया बेटा, खोलनी है रस्सी, खोलनी है, चलो आओ मोरा खोल दो, चलो आओ आओ हटो, खोलो ये खोलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उतारो 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 उतारो, आ जाओ आ जाओ, आओ 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 पारस। सो गाइज़ माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि आज पारस का आखिरी दिन है और हमने इसको आखिरी बार नहला दिया है और बस दिल बहुत ज़्यादा उदास है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, इतना मासूम चेहरा हो, इतनी खूबसूरत ब्यूटी, तो बंदा क्या करेगा, कैसे कुर्बान कर पाएगा। पारस चलो आ जाओ आ जाओ पारस, आज आपको पूरी खुली आज़ादी है, आप वहाँ जाना है वहाँ भाग जाओ, वहाँ भागना है वहाँ भाग जाओ, सिर्फ आपके पास कुछ ही घंटे बाकी हैं, बताओ भागना चाहते हो तो भाग जाओ, कहीं भी भागना चाहते हो तो भाग जाओ, बोलो बोलो पारस, बोलो जल्दी बोलो, कहाँ भागना है आपको जल्दी बताओ। हाँ, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता, पारस भाग जा, पारस भाग जा, भाग जा, भाग जा पारस, भाग जा, चलो भाई आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ शावर जल्दी आओ। वो देखो पारस, तो देखो पारस इज़ गेटिंग जेलस यार, पारस आ रहा हूँ आपको भी खोलूँगा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सो गाइज, मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट लतीफ के साथ भी कुछ वीडियोस बना ली जाए, तो ये जनाब तो बस इतना मुश्किल से इन्होंने वीडियो शूट करवाई है ना, और बस पारस की बारी है अब। गो। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि पारस के साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है और फुल पारस की खिदमत हो रही है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आज इसको नहलाया है और बिल्कुल ऐसे ही खाली आज़ाद छोड़ा हुआ है और बिल्कुल कितना खूबसूरत लग रहा है ना, आप देखें बस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं इसके कुर्बान होने में, बस दिल तो नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं। तो गाइस, सीज़न 2023 भी एंड हो रहा है और बस सफाइयों का काम जारी है, सफाइयाँ हो रही हैं और बछड़े गए हुए हैं घूमने के लिए। सो गाइस, फाइनली बकरा भी जा रहा है जहाँ पे उसको ज़िबा होना है और बस बकरे को भी अलविदा कहते हैं, चलो भाई अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, सीज़न 2023 हो चुका है ख़त्म और बस दिल बहुत ज़्यादा उदास है, पता भी नहीं चला कैसे गुजर गए, इतनी जल्दी 21-22 दिन गुजर गए हैं और बस अब सफाइयों का काम जारी है, लेकिन ये है कि पारस की जगह, पारस की खुरली, इसको बहुत मिस करेंगे हम लोग और पारस, और लेट लतीफ़ गया हुआ है घूमने के लिए, तो बस क्या कर सकते हैं, यही सुन्नत इब्राहिमी है कि आप जानवर को जब ज़िबा करो तो आपको ख़ुद को महसूस हो कि आप कोई चीज़ ज़िबा कर रहे हो, आपकी दिल की चीज़ है मनपसंद, और पारस को तो आप लोग जानते ही हैं, वो तो सिर्फ मेरा नहीं आप सबका ही मनपसंद है। पारस का है लास्ट डे और पारस को करवा रहे हैं हम वॉक, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अरे भाई अरे भाई, फुल सपोर्टर भाई। ये गाय का भी शोर ज्यादा हो रहा है, पारस तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, इतना मत डरो। यूसुफ क्या कर रहे हैं, पारस की खिदमत कर रहे हैं आप? अच्छा, क्यों भाई, कल चला जाएगा इसलिए? अच्छा, सही बात है भाई, पारस देखें आप कितना मासूम है, कितना फ्रेंडली हो जाता है बच्चों के साथ, कैसा सर झुका दिया इसने। यूसुफ आप मिस करेंगे पारस को कितना? बहुत ज़्यादा। और बरीरा आप? अच्छा, और सैना आप? और अमन आप? हम भी बहुत, हमारे आगे वेकेशन तो इसी के साथ गुजर गए, अब बात
सही बात है बिल्कुल। पारस चीज़ ही ऐसी थी कि इसके साथ तब सबका दिल लग गया। यूसुफ पारस कल ज़िबा हो जाएगा, कर दें? रोएंगे तो नहीं आप? पक्का? ठीक है। माशाल्लाह भाई पारस तो भाग रहा है भाई फुल आज। ये इसका ही मिलना, इसका ही हूँ बातें करना। लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब हर जानवर से मोहब्बत प्यार हो जाता है, लेकिन इस जैसा कोई नहीं है। इसको नहीं मालूम ऐसा हो गई है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और बस दुआ कीजिएगा कि पारस आसानी के साथ ज़िबा हो जाए और कोई मुश्किल ना आए। इजीली। अल्लाह हाफिज़।